हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। 2.3 तक हम कर चुके हैं। 2.3 तक हमने पढ़ा है ज़ीरोज़ के बारे में, ज़ीरोज़ फाइंड करना, एंड क्या पढ़ा है हमने, डिवीज़न मेथड पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे 2.4। 2.4 के अंदर आपको क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर। आपको क्या बताना है कि आपको जो पॉलिनोमियल दी हुई है, क्या उन पॉलिनोमियल का एक्स प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे। अब जब भी कोई हमारे पास ये दे रखा है कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं या फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बताना है क्या, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मस्ट गिवन। अब इसके अंदर जब हमने प्लस वन इज इक्वल टू एक फैक्टर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। माइनस वन को हम किसके अंदर पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में, जहां एक्स है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास पी माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। देखते हैं कैसे, पी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब क्या आएगा हमारे पास, माइनस वन। माइनस वन का स्क्वेयर वन, ये भी वन आ गया, और प्लस माइनस से माइनस वन प्लस वन। माइनस वन प्लस वन कैंसिल, इधर माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास से, ज़ीरो। अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो मैंने क्या बताया था कि यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोल देंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सेकेंड है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है, ये बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। देखते हैं हम कैसे, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स प्लस वन क्या दे रखा है, एक फैक्टर दे रखा है इसका, पी एक्स का। अगर ये इसका फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि इसको इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। प्लस वन को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। मोस्ट गिवन क्या देगा हमें, इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो। पुट करेंगे p, x की जगह हमारे पास माइनस वन आए, इज इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन की फोर पावर हमारे पास क्या आएगा, प्लस वन। पावर अगर हमारे पास इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर हमारे पास ओड है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। माइनस वन की पावर फोर हमारे पास क्या आया, वन। माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन का स्क्वेयर, प्लस वन। प्लस माइनस से माइनस वन, और प्लस से वन। इस वन से ये वन कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, वन। और अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, वन, तो इट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो क्या लिख देंगे, वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमें एक्स प्लस वन एक इसका फैक्टर दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वन। इस पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल में क्या आना चाहिए हमारे लिए, ज़ीरो। पुट करेंगे पी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री एज इट इज़ माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन की फोर पावर क्या आएगी, प्लस वन आ जाएगी। माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन, माइनस वन और थ्री की मल्टीप्लाई माइनस थ्री। माइनस वन का स्क्वेयर वन, वन और थ्री की मल्टीप्लाई प्लस थ्री हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस थ्री।
प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास वन, और वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ ए पी एक्स, कि एक्स प्लस वन है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन आएगा, मस्ट गिवन। अब हम देखते हैं कि पी माइनस वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, ज़ीरो, इसके अंदर हम माइनस वन पुट करके देखते हैं, पी माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्केयर माइनस टू प्लस रूट टू, और एक्स की जगह क्या आया माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन का क्यूब क्या आएगा माइनस वन, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन, माइनस, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, और माइनस टू से प्लस टू कैंसल, अब रूट टू प्लस रूट टू आ गए इनको, अगर दोनों को अब हमारे पास सेम है रूट टू तो टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स रूट टू, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, यूज़ द फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस, और क्या करना है हमें फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना है कि जो जी एक्स है वो एक फैक्टर है किसका, पी एक्स का। अभी हम जो कर रहे थे उसी मेथड से करके शो कर देंगे कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। फर्स्ट हमें दे रखा पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और जी एक्स क्या दे रखा है x प्लस वन, जी एक्स हमारे पास x प्लस वन है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस वन को उधर लेके जाएंगे माइनस वन हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस वन। अब इस माइनस वन को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके देखते हैं, p x की जगह पुट करेंगे माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू बाहर रहेगा, x की जगह माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू क्यूब हमारे पास क्या आएगा माइनस की पावर ओड है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो माइनस वन आएगा, माइनस वन और टू के मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस वन स्केयर वन आएगा और वन और प्लस वन वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और टू वन जा टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और वन से वन कैंसिल, हमारे पास इज इक्वल टू में क्या आया ज़ीरो, और अगर इज इक्वल टू में ज़ीरो आता है तो क्या बोल देंगे, सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि जी एक्स है वो क्या है पी एक्स का एक फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, अब हमें बताना है कि जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, तो हम जी एक्स से वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे ज़ीरो, टू को अपोजिट साइड लेके जाएंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू, टू बी पुट इन पी एक्स, इसको हम पी एक्स के अंदर पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस टू, पी माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस थ्री एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर प्लस थ्री एज इट इज एक्स माइनस टू हो जाएगा प्लस वन, माइनस का क्यूब आएगा तो माइनस आएगा और टू का क्यूब एट, प्लस माइनस टू का स्केयर माइनस का प्लस हो जाएगा और टू का स्केयर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस वन ट्वेल्व, और ये हमारे पास वन है थर्टीन, ट्वेल्व और वन कितना आ जाएगा हमारे पास थर्टीन आ जाएगा, माइनस सिक्स माइनस एट क्या आएगा माइनस फोर्टीन, थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस वन जो कि नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ए पी एक्स, कि जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, अब ये बोल रखा है कि पी एक्स आपको दिया हुआ है जी एक्स दिया हुआ है कि पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, जी एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है इसको इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री, टू बी पुट इन पी एक्स, पी एक्स में पुट करेंगे
पी थ्री इज इक्वल टू 3³ - 4 3² + 3 + 6। 3³ क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्केयर 994 जहाँ 36 प्लस 3 प्लस 6 6 + 3 = 9 9 + 27 36 आ जाएगा और माइनस 36 36 से 36 कैंसल इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ ए पी एक्स। अगर इज इक्वल टू में 0 आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि जी एक्स है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस के अंदर आपको 4 केसेस दिए हुए हैं, सभी केसेस में क्या बोल रखा है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तब सभी में k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? अगर कि x माइनस 1 एक फैक्टर है तो इट मीन्स x की वैल्यू जो है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर हम सभी पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। ठीक है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो वी पुट x इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व फॉर k बाई मेकिंग p 1 इक्वल टू 0। k को हम सॉल्व करेंगे इसको और इज इक्वल टू में क्या पुट करेंगे 0। x की जगह हमने पुट किया 1, क्या आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 1 प्लस k और इज इक्वल टू क्या आएगा अगर फैक्टर है तो 0। 1 + 1 = 2 + k इज इक्वल टू 0। इधर प्लस 2 है, अपोजिट साइड लेके आएंगे क्या आ जाएगा माइनस 2 आएगा, k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + kx + √2। अब सेम प्रोसीजर इसके लिए होगा, x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पी एक्स का, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। 2x² + k√2 और इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 2 1 का स्केयर क्या आएगा 1, 1 के और 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस k और 1 की मल्टीप्लाई k और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k को इधर रखेंगे, 2 को उधर लेके आएंगे माइनस 2 हो जाएगा, √2 को लेके आएंगे माइनस √2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें 2 + √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई k की। नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्केयर माइनस रूट 2x + 1। एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस 1 क्या दे रखा है एक फैक्टर दे रखा है पी एक्स का, सो वी पुट x इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व फॉर k मेकिंग p1 इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे, k 1 का स्केयर माइनस रूट 2 1 प्लस 1, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 1 और k की मल्टीप्लाई k इज। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास k माइनस रूट 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। k को इधर रख लिया, माइनस रूट को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1 को इधर माइनस, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस k। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो वी पुट x इज इक्वल टू 1 पी 1 एक्स k एज इट इज, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, 1 का स्केयर माइनस 3, x की जगह 1 आएगा प्लस k। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, k आ जाएगा माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k 1 1 2 टाइम्स हो गया तो क्या लिखेंगे 2k इज इक्वल टू माइनस 3 को उधर लेके आए प्लस 3 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 इधर है 2 मल्टीप्लाई था, 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1, 2, 3। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।